Respectable student, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, inshallah, we will discuss about how can we manage our emotion. My dear, we have a lot of emotion in our personality. We will have to judgment what should we do as a man. How can we live without problem? We have to face a lot of emotion. We will have to remember in our mind, emotion can change our life, emotion can success our life, we can success by means of emotion in our life. My dear, today inshallah we will discuss how can we control our spunk, it means ghussa, in Urdu language ghussa. कैसे हम गुस्से को काबू कर सकते हैं, कैसे हम गुस्से को मैनेज कर सकते हैं. मेरे प्यारे दोस्तों, तालिबे इल्म साथियों, गुस्सा अल्लाह ताला की तरफ से एक इमोशन हमारे अंदर डाला गया है, जज्बा, जिसको देखना है कहाँ यूटिलाइज़ करना है, कहाँ पर इस्तेमाल करना है, कहाँ पर गुस्सा करना है और कहाँ पर नहीं करना, ये इंसान को सोचना है. गुस्सा भी एक इमोशन होता है जो इंसान को कामयाबी की तरफ भी लेकर जाता है और नाकामी की तरफ भी लेकर आता है. याद रखें, बड़े ज़रब का गुस्सा इंसान को कामयाब कर देता है और छोटे ज़रब का गुस्सा इंसान को बर्बाद कर देता है. कैसे? इट्स बिकम द कंस्ट्रक्टिव पार्ट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी. इट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, आने वाली चीज़ हमारी ज़िंदगी में क्या है, अहम है या नहीं है, इसका खुद ही जांचना है. और उस पर जो आपका रद्द अमल हो रहा है, जो रिएक्शन हो रहा है, वो क्या है, वो कैसा है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है. राइट और रॉन्ग जी, आपने जो उस गुस्से के इजहार पर जो रद्द अमल किया है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है. अब देखना ये है हमारा रद्द अमल क्या है, कि गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, रूट जाना, दबा लेना, ख़त्म करने की कोशिश करना, या किसी वक्त में मार धार करना, मुंह पे तमाचा मार देना, यह हमारा गुस्से का रद्द अमल होता है आम तौर पर. याद रखें, अगर गुस्से को आपने होल्ड करके कंसेप्टिव किया है, दिस इज़ अ क्वालिटी एनर्जी. ये क्वालिटी एनर्जी है आपके अंदर. एनर्जी को सिर्फ रास्ता चाहिए होता है, उसको मैसेज फॉर्म में आना ही आना होता है. मुमकिन है आप में से कोई ऐसा बैठा हो जिसको किसी ने कहा हो कि तुम नहीं पढ़ सकते. बहुत सारे लोग कहते हैं ज़िंदगी में, मुझसे भी लोग कहा करते थे, लेकिन जब ये नहीं कि वो उसके कहने से अपनी पढ़ाई को तर्क कर दे, अपने जो मोटिवेशन है उसको ख़त्म कर दे, नहीं, उसके कहने से उस मोटिवेशन में इजाफा हो, उस इमोशन को सही मानों में इस्तेमाल करना, यानी उसके कहने पर बनकर दिखा देना, ये है यूटिलाइज करना. बहुत सी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, बहुत से लोग मौजूद हैं जिनको लोग बचपन में कोई कह दिया करता, बेटा तुम नहीं पढ़ सकते, तुम्हें इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, तुम्हें मैकेनिक बनना चाहिए, तुम्हें गधा चलाना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, लेकिन उसके कहने के बाद फिर वो बच्चा मेहनत करता है और फिर उस इमोशन को, उस जज्बात को, उस चीज़ को अपनी सही मानों में इस्तेमाल कर कामयाब हो जाता है. ये होता है आला ज़रफ़ का गुस्सा, कि जब कोई आपको तंग करे किसी बात पर, या आपकी ज़ात में, या आपकी मकाम में, आपके मकाम को नीचे करे, तो उस इमोशन का यही नहीं कि उसी वक्त इजहार कर देना, मारदार करना, गाली बक के उसको जवाब देना,
या उसकी इज्जत को भी उसी तरह पामाल कर देना, नहीं, उस इमोशन को किसी ऐसी जगह लगाना चाहिए कि जहाँ से आपको कामयाबी हो, उसको कामयाबी नहीं हो, उसकी बात को गलत होना चाहिए। जिसने भी आपको कहा है कि आप पढ़ नहीं सकते, तो आप उसकी बात को गलत करें, पढ़ कर दिखा दें, उस इमोशन को सही राह पर इस्तेमाल कर ले, वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। ये होता है आला जरफ का गुस्सा, और कम जरफ का भी गुस्सा होता है जो इंसान को बर्बाद करके रख देता है। ये जज्बात होते हैं जिसको इंसान अपने काबू में रखे तो कामयाब हो जाता है, और काबू में नहीं रखे तो नाकाम हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे तालिबे इल्म साथियों, आज ये गौर करना चाहिए, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ होता है, किसी के अंदर कम होता है, किसी के अंदर ज़्यादा होता है। ये गुस्सा, ये जज्बा है अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के अंदर होता है, ये मोटिवेशन भी पैदा करता है, एनर्जी भी पैदा करता है उसको उसके मकाम तक पहुँचाने के लिए, और किसी को उस मकाम से दूर ले जाने का भी सबब बन जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अकल समझ थिंकिंग की ताकत हमारे पास मौजूद है, सोचने की कुव्वत मौजूद है कि किस चीज़ को कहाँ इस्तेमाल करना है, किस चीज़ को कहाँ यूटिलाइज करना है। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार हीरे जवाहरात रखे होते हैं, वो क्वालिटियाँ इंसान के अंदर मौजूद होती हैं जिनसे इंसान अपनी ज़ात को पहचानवाता है, जिनसे इंसान माशरे में एक किरदार अदा करता है, जिनसे इंसान इंसानियत की आला मेराज तक पहुंचता है। मगर यही इमोशन जब आता है, इंसान पर गालिब होता है, तो फिर वो उसकी उसके मकाम तक पहुंचने में रुकावट बनता है और उसको उस मंजिल से दूर कर देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, गुस्सा कहा जाता है कि जब इंसान को गुस्सा आता है तो इंसान शैतान का खिलौना बन जाता है, उसको नहीं पता होता मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या बक रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ उसको नहीं पता होता। जो जहन में आता है, जो चीज़ उसके दिमाग में घूम रही होती है, वो करना शुरू हो जाता है। कभी दिमाग में होता है कि घर छोड़कर भाग जाऊं, कभी होता है कि इसको गाली से जवाब दिया जाए, कभी मारधार करता है, कभी रोता है, कभी कुछ भी करता है। तो ये सारी चीज़ें इंसान को उसके असल मकाम से रोक देती हैं, उसके असल मकाम तक पहुँचने में रुकावट बनती हैं। तो मेरे प्यारे अजीज साथियों, दोस्तों, आप पहचानिए, आप पर लाजिम है कि आपको अल्लाह ताला ने ताकत दी है, सोचने की कुव्वत दी है कि मुझे किस चीज़ से बचना चाहिए, किस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए, और कौन से जज्बात को, कौन से चीज़ों को अपनी सही यूटिलाइज कर कामयाबी की मंजिल को हासिल कर सकता हूँ। याद रखिए, गुस्सा इंसान को बेहद नुकसान भी पहुँचाता है। जब गुस्सा आता है तो इंसान कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो ख़त्म कर दूंगा, मैं वो उसको बचा कर ले आऊँगा, लेकिन बाद में फिर ख्याल आता है, बाद में फिर सोचता है यार मैंने जो किया सही नहीं किया, मुझे ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इस पर गौर करना चाहिए था, मुझे सोचना चाहिए था, मुझे इस काम से पहले गौर और तफक्कुर करना चाहिए था ताकि मैं इस नुकसान से बच जाता, मैं उस इमोशन को, उस जज्बात को सही यूटिलाइज कर लेता, बाद में फिर अफसोस होता है। तो मेरे दोस्तों, नहीं चाहता कोई भी, और ख़ुद अल्लाह तबारक मताला नहीं चाहता कि उसकी बनाई हुई मखलूक गलत रास्ते पर चले, नाकाम हो जाए, अपनी ज़िंदगी के असल मकसद से दूर हो जाए, नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम अपने गुस्से को यूटिलाइज करें, हम अपने ज़िंदगी को के अंदर मैनेजमेंट करें कि किस चीज़ को कहाँ इस्तेमाल करना है। यही इंसानियत की मेराज है, यही इंसान को आला मकाम तक पहुँचाता है। मैं अपनी गुफ्तगू को इसी पर ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ या नई गुफ्तगू के साथ इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।